ही नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठीका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविदा कर्मियों का स्थायी बहाली करना होगा, करना होगा, करना होगा। संविदा कर्मियों का स्थायी क्या मामला है सर, जरा बता दीजिए। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के राज्य सामान्य परिषद के निर्णयानुसार आज 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रधान सचिव महोदय को संबोधित एक मांग पत्र सिविल सर्जन के माध्यम से समर्पित करने का निर्णय लिया। आज हम लोग सिविल सर्जन महोदय को मांग पत्र समर्पित करें। इसी बीच राज्य स्वास्थ्य समिति ने अपने NHM के कर्मियों के लिए स्मार्टफोन के द्वारा अटेंडेंस बनाने का आदेश निर्गत कर दिया गया है। इस आदेश के निर्गत होने से जहां कर्मचारी जो स्वतः चाहते हैं कि हम ससमय उपस्थित होकर कार्य करें, लेकिन चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं होने के कारण अधिकतर स्वास्थ्य उपकेंद्र प्राइवेट मकान में होने के कारण महिला कर्मियों के लिए वहाँ समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके कारण इस तरह के आदेश के अनुपालन में कर्मचारियों को काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। संगठन चाहती है कि इस तरह के आदेश के पूर्व सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर दिया जाए, जिससे कि महिला कर्मियों को कार्य करने में किसी तरह की परेशानी नहीं। एक तरफ तो उन लोगों से इस तरह से कार्य लेने का जद्दोजहद किया जा रहा है, वहीं दूसरे ओर उन लोगों को ठेका अनुबंध पर बहाली कर उनके श्रम का शोषण भी किया जा रहा है। इसलिए संघ यह भी मांग करती है कि उनकी बहाली परमानेंट की जाए और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के बाद इस तरह के आदेश का कार्यान्वयन हो तो ज़्यादा बेहतर। मांग पत्र अगर नहीं पूरी होती है तो सर? मांग पत्र नहीं पूरी होने के बाद राज्य के निर्णय के आलोक में आगे संघर्ष की कार्रवाई की जाए। क्या हुए सर अब? जिला मंत्री बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा से, नाम से अनिल कुमार।